बीते दिन श्रीमान बलदेव सिंह बराड़ फाउंडर ऑफ देव समाज इस संसार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए, जिन्हां दी याद विच लास्ट प्रेयर का कार्यक्रम ताज होटल सैक्टर 17 चंडीगढ़ विच आयोजित किया गया। इस मौके श्रीमान बलदेव सिंह बराड़ जी की शख्सियत नूं याद करदे आं, कुछ अहम शख्सियत ने उन्हां नूं अपनी श्रद्धा के फुल भेंट किए। लाके सन्मुख सकल अपने करके हम परिशोध उतने शुद्ध होना चाहेंगे, करके हम परिशोध उतने शुद्ध होना चाहेंगे। परलोक के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे। बहुत बड़े मेहरबान और हमारे सम्मान के लायक श्रीमान बलदेव सिंह जी हमसे जुदा हो गए हैं, और ये सभा उनके लिए सम्मान और श्रद्धा अर्पण करने के लिए है। जब समाज में आना शुरू किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फिगर थे। ये बहुत अपने व्यक्तित्व से, अपने चुंबकीय पर्सनैलिटी से हमें खींचते थे और इनकी तरफ भागे जाते थे। इनके पैमाने बेशक बहुत ऊंचे थे, लेकिन स्नेह और प्यार की इतनी वर्षा करते थे कि हम ग्रामीणों को, बोधियों को आगे कुछ हो संभालने का मौका मिला दे समाज में, तो इनका बहुत बड़ा संग्राम, इनकी बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी मेहनत और लगन और गुरु महाराज के मिशन के लिए जो इन्होंने संग्राम किया, उस सब का फल है। श्रीमान जी ने परिशोध के साधन कर करके अपने जीवन को सफल किया है, और ऐसी ही प्रेरणाएं उन्होंने हमें भी दी हैं, और ऐसे साधन करने के लिए हमें भी प्रेरित किया है और बार बार प्रेरित किया है। गोन्याना, कल्याण, मल्लिका, केसुपुरा, गंगानगर, गज सिंहपुर, पदमपुर, सैकड़ों जाने बचाई हैं। मिथ्या विश्वासों, पापों से निकालकर परिवारों में देव धर्म की लौ जगाई। श्रीमान जी ने हमारे परिवार को बचाया, मिथ्या विश्वासों से, पापों से निकाला, और यहाँ कितने ही धर्म संबंधी यहाँ बैठे हैं, और मल्लिका में 30-40 परिवारों में ऐसा गुरु महाराज का संदेश पहुँचाकर मर रहे लोगों को बचाया है। मैं उनको प्रायः 70 साल से और उनकी जिंदगी को इतने ही लंबे अरसे से देख रहा हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। वो कमाल के सेवक थे, वो कमाल के कर्मचारी थे, वो कमाल के सभापति थे, वो कमाल के श्रोता थे, वो कमाल के लेखक थे। कई लेख अद्भुत हैं, और फिर कहता हूँ मैं, कई लेख उनके अद्भुत हैं। वो कमाल के सेक्रेटरी थे, वो बहुत महत्वपूर्ण कामों को सरंजाम दे गए हैं। श्रद्धावान थे, कृतज्ञ थे, हानि परिशोध में विश्वास रखते थे और साधन करते थे, जरूरतमंदों की मदद भी करते थे। वो गहन साधक थे और साधन काफी प्रायः रोज लिखते थे। ऐसी योग्यताओं के धनी बहुत कम आत्मा होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रीमान जी और कई श्रीमान जियों के साथ यहाँ विराजमान है, यहाँ आए हुए हैं, और मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और ये कहता हूँ, श्रीमान जी वाह, गुरु की कमाल आपके ऊपर इतनी हुई,
गुरु की मेहरबानी आपके ऊपर इतनी हुई कि आप ऐसी हस्ती बन गए। काश और लोग भी बहुत सारे आए और आप जैसी हस्ती बने और ऐसी मिसाल छोड़ जाए जैसी आप छोड़ गए। बड़े श्रीमान जी को हम बड़े प्यार से बड़े श्रीमान जी कह के ही पुकारते रहे हैं, चाहे वो शोभावती धर्मशाला हो, चाहे वो डेरा बसी का आश्रम हो, मल्लेका हो, गोनियाना हो। श्रीमान जी का परिवार और उनके त्याग जितने हैं वो मिरेकल है, गुरु महाराज का चमत्कार है, जादू है। आपका हमें छोड़कर परलोक में उच्च निवास में चले जाना, देव समाज की उच्च धर्म संगत के लिए बहुत बड़ा घाटा महसूस हो रहा है कि मैंने दुनिया में कभी इतना हम्बल इंसान और इतने प्यार इतनी श्रद्धा से सभा करवाते हुए किसी को नहीं देखा। ना मैंने श्रीमान देवत सिंह जी को तो नहीं देख पाया, लेकिन अगर मेरे को लगता है कि श्रीमान देवत सिंह और सरदार ईश्वर सिंह के बाद अगर देव समाज के इतिहास में कोई ऐसे जन हुए जिन्होंने सेंसेशन और मिरेकल पैदा किया है तो वो विशेष सम्मान के योग श्रीमान जी हैं। आपने अनेकों जनों को अनेकों जनों के अंदर श्रद्धा सम्मान और कई उच्च भाव विकसित करके परिवारों में सच्चा स्वर्ग पैदा किया है। मैं तुच्छ आपके बहुत ही महान ऊंचे कल्याणकारी रूप को पहले की तरह सच्ची श्रद्धांजलि देने के कैसे काबिल हो सकता हूँ। मैं आपके ऐसे महान रूप को पहले की तरह ही परलोक से भी आपकी सहायता का सदा मोहताज व भिखारी रहूँगा। इस समय श्रीमान दीवान जी, सुरेंद्र भाटिया जी, अनिल जी, मेरे पिताजी, दादाजी, रीटा जी, बीपी सिंह जी और दौलत सिंह जी काफ़ी लंबा सफ़र करके इस श्रद्धांजलि सभा में हाजिर हुए हैं। हम सब अपनी ओर से परलोकवासी बड़े श्रीमान जी के सुंदर हृदय रूप के आगे झुककर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। Anybody who today asks me, what do you feel was the most important things in your life growing up that could help you grow your business or grow yourself, I still say it was dad's decision to put us, or at least put me, in St. John's. Because even though I went to other colleges, I went to colleges here and went to hospital institutions in the United States, the seed that was laid down by a school that my papa picked for me is the reason what helped me grow in my life and help my career and hence help my family. Papa's devotion to Shri Bhagwan Dev Atma was unparalleled. His commitment was so deep and sincere that it stood as the cornerstone of his life. His faith was not just a matter of practice but a unique bond. The best way I can explain that was like the unwavering love Meera had for Lord Krishna. Papa's love was unwavering and deep for Shri Guru Bhagwan Dev Atma. Papa dedicated his entire being to spreading the teachings of Bhagwan Dev Atma. वो मेरे पति होने के साथ देश समाज के एक बहुत मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने भरी जवानी में आर्मी में एजुकेशन कोर में सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग के कुछ दिनों बाद ही वो लाइन छोड़ दी इस विचार से कि आर्मी में तो मैं उच्च पद पा लूँगा परंतु गुरु मिशन का पाप और मिथ्या मिटाने का काम कभी नहीं कर सकूँगा। 27-28 वर्ष की उम्र में दुनिया के सब प्रलोभनों को तुच्छ समझकर मिशन में अपना जीवन भेंट कर दिया। तकरीबन 67-68 वर्ष इस मिशन में अपना तन मन झोंक दिया। देश समाज के मिथ्या और पाप मिटाने के काम के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे तपस्वी जिम्मेवार निस्वार्थ सेवाकारी की जीवन संगिनी बनने का अवसर मिला। मैंने उनके परोपकार के कामों में कभी बाधा नहीं दी, सदा सहयोग दिया। घर की बहुत सी जिम्मेवारियों से उनको आज़ाद रखा ताकि वो समाज का काम कर सकें।
ये सब उनके स्नेह और मेरे प्रति विश्वास का कारण ही संभव हो सका। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने साड़ी टीम राही श्रीमान बलदेव सिंह बराड़ जी को अपनी श्रद्धा के फुल भेंट किए। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मैं समझता कि देव समाज के सारे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है जब साडे पिता समान श्रीमान बलदेव सिंह जी बराड़ उन्हों जो भोग है वह पाया गया और मैं पिछले दिनों के चलाना कर गए थे। मेरा निजी तौर पर मेरे परिवार का उन्होंने परिवार के नाल बराड़ आंटी और अंकल के नाल बहुत लंबा समा 2000 तो लैके 2005 तक की बड़ी पुरानी सांझ रही है और हमेशा ही उन्होंने एक फादरली फिगर की तरह पेरेंट्स की तरह सानू और मेरे परिवार को संभालिया और मैं समझदा कि वो यहोजी शांत अजिही सच्ची सुची और लोग सेवा समाज को देश को समर्पित रूह सी कि जिन्हों के जान का घाट है जोड़ा वो अज कल चंडीगढ़ दे विच ही नहीं पूरे इलाके दे विच दूर दुराडे वो उन्होंने जान का घाट है जोड़ा ये ना पूरा होने वाला घाट है जोड़ा उन्होंने जान ना होया। सो एक बार फिर तो जिते उन्होंने दी याद दे विच उन्होंने रूह नू नमन करते हैं उत्थे परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि उन्होंने अपने चरणों के निवास बख्शन परिवार को सगे संबंधी भाण मन का बल बख्शन। श्रीमान बलदेव सिंह बराड़ जी के परिवारिक मैंबरों वालों साड़ी टीम नाल उन्हां दी शख्सियत बारे गल करदे आ कुछ यादा सांझियां कीतियां। साडा 67 साल का संबंध सी और 67 सालों के असी बहुत उतार चढ़ाव देखे लेकिन दोनों के साथ ने असी सारिया डिफिकल्टीज नू सारिया मुसीबतों पार करते रहे। उन्होंने 27-28 साल की उम्र के देश समाज के गुरदे बानी के मिशन के अपना जीवन भेंट कर दिता सी जिस दे नाल वो MA पास करके बहुत अपनी आर्मी के उन्होंने एजुकेशन कोर के हो गई सी सिलेक्शन लेकिन उत्थों ट्रेनिंग दे विच ही छड के आ गए कि मेथों उस तो बाद पाप ते मिथ्या दा मिटाउण दा जो काम गुरु महाराज जी कर रहे ने उहदे विच फिर मेथों कीता नहीं जाणा। ते उस तो बाद उन्होंने सारी जिंदगी तकरीबन 68-69 साल वो इस मिशन दे विच ही लगाए जिहदे विच उन्होंने इन्ने काम किए आ कि देश समाज दे सहत नूं वधाउण वास्ते कि उन्होंने शिक्षा संस्थावान खोलन वास्ते तो कि उन्होंने धन वधाने वास्ते तो उन्होंने प्रचार के काम वास्ते तो सारी जिंदगी उन्होंने प्रचार में 15-15 दिन वो पिंडों लोगों के पाप छुड़ाते उन्होंने मिथ्या छुड़ाते तो उन्होंने सीधे राह पाते उन्होंने परिवारों के जो कला कलेश हों दूर करते तो किसी उस दे कोई अड़चन नहीं सी महसूस होंगी चाहे उन्होंने पैदल चलना पवे चाहे उन्होंने बस से जाना पवे चाहे गड्डी ते जाना पवे चाहे कार ते जाना पवे उन्होंने मुख सीगा कि गुरु का काम करना है अपने परिवार का भी उन्ना ही ध्यान रख्या जिन्ना कि उन्होंने समाज का रख्या। 67 ईयर 67 साल उन्होंने समाज के देव समाज के सेवा की कितने कितने प्रचार किए जिथे बसा भी नहीं सी जांदियां एक टाइम तो पैदल चले सैकलों पर गए गड्ढियां पर गए ट्रैक्टरों पर गए लेकिन बड़े जीवनां नूं बदलिया बड़े घर बसाए लोग अज उन्हां दी श्राद्ध दी सभा ते जो लोगों ने आप दी उन्हां दे प्रति सम्मान ते इज्जत ते प्यार अज दिखाया है वह देखने वाला सी एक बेटे दे तौर ते तो मेरे वास्ते बहुत वड्डी खुशी ते जिन्हों कहिंदे छाती फलाउण वाली गल सी वी ए सी मेरा मेरे डैडी ए सी मेरा पापा इन्नी इन्ना भला लोकां दा लेकिन नाल नाल उन्होंने आपदे जिहड़े जिम्मेवारियां सीगियां वह नहीं छड्डियां। साधु बन के जंगलों च रहना तां बहुत सौखा है लेकिन साधु की जिंदगी बताउणा लोगों की जिंदगी बदलना तो आपदे सारे आपदे काम करने लोगों के काम करने बच्चों नूं पढ़ाउणा आपदी वाइफ का ध्यान रखना इतों तक कि वह हुण आपदे पोते नाल जिहदा नाम साडे पिंड ते रख्या गया कल्याण उहदे नाल खेडणा फिर उस तो अगे साड़ी मेरी बेटी दे अगे बेटी हुई उन्दे नाल भी आपदा टाइम बिताया ते जीदे जीदे नाल कोल होए उन्हां दे उत्ते उन्होंने इंप्रेशन बहुत अच्छा
ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਾਈਂਡੈਸਟ ਮੋਸਟ ਜੈਂਟਲ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਆਈ ਐਵਰ ਮੈਟ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਹੀ never met a stranger. He was always kind to anyone and anything, whether it be our dogs or a bird, an injured bird that he found one time on our property. He made sure he brought it in the house and nursed it back to health. And he never, ever once was I his daughter-in-law. From the minute I met him, I was his daughter. And he made sure I always felt that way. He made me feel a very special connection with him. Even if he didn't say a lot of words, he exuded love from in his core. And I am and will always be grateful that I got to know him and have him in my life. Mere papa, jo bhi aaj assi hain, ਇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਕਲਾਸ ਉਹ 500 rupees ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ 60 years old ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 60 ਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਦੀ ਸੀਗੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹੈ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਰ ਪਾਪਾ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਟੂ ਮੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਸੀ ਉਸੇ ਤੜਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜਿਸ ਅੱਜ ਦੇ 36 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ 45 ਦਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ